अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के सामने जो भिवंडी कॉरपोरेशन के अंदर में हमारे शहर के लिए फैसला हुआ है कुर्बानी के ताल्लुक से, वो बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आज भिवंडी कॉरपोरेशन के अंदर में एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के अंदर में भिवंडी कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब, हमारी मैडम महापौर और उप महापौर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और भिवंडी DCP साहब, दोनों ACP साहब, इन लोगों के बीच में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के ताल्लुक से मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। आने वाले वक्त में जो ईद बकरी जो हमारे तरफ आ रही है, उसके अंदर में कुर्बानी को लेके ये तय हुआ है कि बकरे के ऊपर में कुर्बानी अलाउड है, परमिशन है, और बड़े जानवर जो पाड़ा हम लोग कुर्बानी करते थे उसके ऊपर में परमिशन हम लोगों को नहीं मिला है। और ये फैसला कोई भिवंडी कॉरपोरेशन का फैसला नहीं है कि कुर्बानी बड़े के जानवर या तो पाड़े पे नहीं होगा, ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आया हुआ है आदेश की शहर के अंदर में कुर्बानी सेंटर्स भी नहीं रहेंगे और बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। तो आप लोगों के मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि बड़े के जानवर को आप लोग ना लें, पाड़े ला के आप लोग कुर्बानी गलियों के अंदर में, घरों के तरफ में, बिल्डिंगों के नीचे ना करें। जो आदेश स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आए उसका पालन करें और एहतियात करें, बड़े जानवरों के ऊपर में कुर्बानी ना करें। और फैसला ये भी हुआ है कि आप लोग जो कुर्बानी बकरे पे करेंगे उसके जो भी वेस्टेज जो निकलता है, उस कुर्बानी का वेस्टेज को सब जमा किया जाएगा और उसको कॉरपोरेशन की तरफ से उसका इंतजाम करके जहाँ जगह पर डालना है वो डाला जाएगा। और कुर्बानी के ताल्लुक से एक चीज़ और है कि जहाँ पर भी जो लोग, जितने लोग कुर्बानी करते हैं, तो बराए मेहरबानी उन लोगों से मेरी अपील है कि उसका वीडियो ना बनाएं, और वीडियो बनाकर दूसरे ग्रुप में शेयर करना या वायरल करना ये गलत बात है। कुर्बानी हम लोग जो करते हैं वो अल्लाह की राह में करते हैं, उसका दिखावा होना, उसका वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर डालना, ये इस्लामिक तौर पर भी गलत है और दूसरा ये समाज के हिसाब से भी गलत है कि जिन लोगों को इससे तकलीफ होती होगी वहाँ तक वीडियो पहुँचते हैं और इससे एक नफरत फैलती है और इससे एक गलत मैसेज भी जाता है। तो बराए मेहरबानी वीडियो ना बनाएं और पाड़े के ऊपर में जो कुर्बानी करने का लोगों ने इरादा किए या जो खरीदना जाने वाले थे या खरीदने वाले थे वो लोग उस पर कुर्बानी ना करें। और दूसरी बात, बकरे के ऊपर में जो लोग कुर्बानी करेंगे वो अपने अपने घरों के पास में, अपने जो रोड के ऊपर में ना करें, सोसाइटी के अंदर में करें या चौल के अंदर करें, ऐसी जगह पे करें जो ज़्यादा, जिससे दिक्कत ना हो और ना कुछ ना हो। और आगे इंशाल्लाह 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर मैं अपना एरिया, जितना पूरा एरिया पड़ता है वार्ड के अंदर में, उन आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि कुर्बानी करने के बाद में जो वेस्टेज रहेगा उसका कैसे क्या इंतजाम होगा, कैसे क्या उठाया जाएगा और किया जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी जानकारी मैं दे दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।